हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रश है, कोन है और कटोरी है, और इनसे करने क्या वाली हूँ वो आप पूरे वीडियो में देखना। सच में आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ही ट्रिकी मैंने डिजाइन लेके आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कटोरी में थोड़ी सी मेहंदी निकाली है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ही थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ी सी पतली सी हो जाए, मतलब जिससे कि हल्का सा घोल जैसा बन जाए, बहुत पतला नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा सा। और ब्रश आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें आप ले लीजिए। वैसे मैंने मतलब मीडियम साइज़ का ही लिया हुआ है, ना बहुत ज़्यादा चौड़ा है ना ही पतला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ बहुत ही सिंपल स्टेप से। अब पता है जो इसका जो लुक आएगा ना, वो जब फाइनल आप पूरा डिज़ाइन देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। और ये एक सिंपल शेड है जो कि नॉर्मली गर्ल्स को नहीं बनाने आते हैं, जैसे शेड वगैरह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मेरे ख्याल से ये तरीका सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर ड्रॉ कर लिए हैं, मतलब जो कि मैंने ब्रश ही किए हैं, आप देख सकते हैं, और उनकी आउटलाइनिंग कर दी है। तो आपने देखा कि जब मैंने शेड किया था तो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जब इसकी आउटलाइनिंग की तो कितना अच्छा सा एक लुक आया है मेहंदी डिज़ाइन का। है बहुत ही सिंपल, मतलब बच्चा भी लगा लेगा। और यकीन मानिए, जब मतलब मैंने इसको लगाया उसके बाद, रचने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जिन्होंने मतलब आज तक शेड नहीं किया है ना, मेरे ख्याल से इससे अच्छी ट्रिक और कोई हो ही नहीं सकती। एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और अगर आप ट्राई करके देखते हैं और उसकी जो पिक होगी वो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर भेजना, माधवी रश्मि MBD पे। और आप चाहो तो मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। और जो ये डिज़ाइन है ना, और जो तरीका है, सच में बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आते हैं ना जिसमें आप लोग ना बस दूसरों का मुंह देखते हो, जिनको मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि काश हमारे भी लग जाए। तो बट ऐसा कुछ करिए ना कि लोग तारीफ़ करते ना थकें और कहें कि वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जब खुद के हाथों की लगाई हुई मेहंदी होती है ना, तो सच में बहुत अच्छी लगती है, और एक खुद से भी कॉन्फिडेंस आता है कि कम से कम हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं मिलाना पड़ा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और शेड वाली मेहंदी बहुत सारी गर्ल्स को लगाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी शेड वाली मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। और पता है ये वाला जो तरीका था मतलब शेड देने का, ये सबसे अच्छा इसलिए भी लगा मुझे, इसमें इक्वल शेड आएगा। और मतलब जब ये रचेगी ना मेहंदी, तो मैं बताती हूँ आपको कैसी होगी। मतलब आउटलाइनिंग होगी जो डार्क होगी, अंदर का जो शेड दिख रहा है बहुत लाइट होगा, तो सामने वाला भी ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये लगाई कैसे है। तो प्लीज़ 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 एक बार लगाना जरूर अपने हाथों पे। और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। एक लाइक में पता आपका कुछ ही नहीं जा रहा, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो सच में बहुत पसंद आया है। और प्यारा सा एक कमेंट भी जरूर छोड़ देना। मुझे पता है भाई कि आप कमेंट करते हैं, बट जो नहीं करते हैं उनसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी ट्रिक वाले मेहंदी डिज़ाइन लेके आने वाली हूँ और उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।